लॉकडाउन का असर लोगों की धार्मिक आस्था पर भी पड़ रहा है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने का प्रचलन है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब अस्थियों को भी मोक्ष का इंतजार है। अजमेर में भी मृतकों के परिजन लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। शमशान कमेटी के अध्यक्ष नेमीचंद बबरेवाल ने बताया कि गड्डी शमशान में करीब 100 अस्थि कलश का आंकड़ा छूने को है। इन अस्थि कलशों को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रखा गया है। हालांकि इस बीच कुछ लोग तय समय में क्रियाक्रम के लिए स्थानीय धार्मिक महत्व की नदियों में अस्थियों को विसर्जित कर रहे हैं। जिन लोगों का जो दाह संस्कार करके जा रहे हैं, उनके जो है जो भी पूर्वज हैं, उनकी अस्थियां अपने एक थैली में वो पैक करके और हमारे जो सुझाव के आधार पे वो पैक करके नाम पता वगैरह है तारीख वो अपने अलमारियां बना रखी है अपन ने सेपरेट, वो अलमारी के अंदर मतलब सुरक्षित रख रखी है उन्हें, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लॉकडाउन की स्थिति है और जो ये कोरोना का जो आपदा आई है, तो हम जो है अपने मोदी साहब प्रधानमंत्री के अनुसार जो भी उन्होंने हमारे को जो नियम वगैरह जो अपने प्रशासन के नियम जो चल रहे हैं उसके